जी, ये बी सप्लाइन टूल है कोरल ड्रा के अंदर। ये आपको मिलेगा कहाँ से? ये हम वन बाय वन टूल कवर कर रहे थे। पहले हमने फ्री हैंड टूल देखा, 2.9 देखा, बीजियर टूल देखा, पेन टूल देखा, उसके बाद ये बी सप्लाइन, ये इन्हीं टूल के नीचे, पेन टूल के नीचे ये नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये भी ड्राइंग के लिए है, जिस तरह लाइन से ड्रा कर रहे थे, पेन टूल से ड्रा कर रहे थे, ये भी उनसे मिलता जुलता ही है। तो अभी हम इसको ड्रा करके देखते हैं। एक पॉइंट लगाए इधर, दूसरा इधर, ठीक है, तीसरा इधर कर लें। ये पॉइंट लग रहे हैं लेकिन नीचे, ठीक है। चौथा हम इधर लगाते हैं और इसी तरह ये इसको छोड़ देते हैं। ये इस तरह की शेप इसने ड्रा कर दी है। आपने देखा होगा कि जब हमने पॉइंट्स लगाए हैं तो ये जो ऊपर लग गए हैं, ठीक है। ये अभी हम इसको अगर सिलेक्ट करें तो ये चेक करें आप, जहाँ पे ये पॉइंट हमने शो कर रहा था, ये नोड्स इसने ऊपर ड्रा किए हैं लाइन के ऊपर, नहीं जिस तरह दूसरी शेप्स करती थी, पहले पाथ के ऊपर बिल्कुल पॉइंट लग जाते थे, नोड लग जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब क्या किया है, बी सप्लाइन टूल ने, कि आपके जो नोड्स हैं वो ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं, इसको अगर क्लिक करें आप, ठीक है, किसी भी नोड को, डिलीट हो गया, किसी को भी आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे हम दूसरे करते रहे, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अप डाउन, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम पहले करते थे। इस पॉइंट को पकड़ें, इसको नीचे कर लें, ऊपर ले आए, जैसे भी आप इसकी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ये आप इसकी ड्राइंग कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, बी सप्लाइन टूल से, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इसी तरह डिलीट करना हो आपने, वो डिलीट कर सकते हैं, कोई इसको उठा के कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, अपनी शेप को आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। इसको पकड़ें, पॉइंट को इसको पकड़ें, जैसे भी आप चाहें इसको, आप कर्व जो है जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं। इसी तरह लास्ट वाला इसको इधर ले आएँ, ये फर्स्ट वाला है इसको इधर ले आएँ, एक बार आप लगा लें, पॉइंट्स लगा लें, लाइन्स लगा लें, ये नोड्स आपके ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। उनको पकड़ के किसी भी एंगल पे, जहाँ पे आपको कर्व चाहिए, कुछ भी चाहिए, जैसे पेन टूल से आप कर्व बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरह, इस तरह ये फर्स्ट वाला मैंने पकड़ा, ये इधर कर दिया, ये नीचे वाला जो नोड लगा हुआ है, इसको चेंज करना चाहूँ, किसी और जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये ऊपर वाला इसको इधर कर सकता हूँ, ये नीचे वाला इसको, जैसा भी आपको कर्व चाहिए या कोई भी शेप चाहिए जो ड्रा की हुई है, ये पॉइंट्स इसके जो है बी सप्लाइन टूल क्या करता है, जहाँ पे आपकी कर्व हो रहा है, जहाँ से आप कर्व कर रहे हैं, वहाँ उसके ऊपर जो है नोड्स बना देता है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, दूसरी शेप हमने ड्रा की, वो लाइन के ऊपर, पाथ के ऊपर आके हम ड्रा करते थे, लेकिन इसमें क्या है, ये नोड्स आपके ऊपर लग गए हैं, ऊपर लग गए हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जैसे भी आप चाहें इसकी ये कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं जो अभी बाद में आए हैं उनके लिए। ये देखें, एक पॉइंट मैंने ये लगाया, दूसरा कर्व ये किया, ठीक है, तीसरा ये किया, और उसके बाद ये किया, और इसको छोड़ना कैसे, डबल क्लिक कर देना आपने लास्ट के ऊपर, तो वो आप छोड़ सकते, लास्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दें, इसको थोड़ा सा इसकी आउटलाइन है वो 16 कर दी है ताकि सबको नजर आए। अभी अब टूल के ऊपर जाएं तो देखेंगे ये नोड्स कहाँ पे शो कर रहे हैं, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। इसको आप पकड़ें, ये पॉइंट आपका लग गया हुआ है, इसको ऊपर लेके जाना चाहें, नीचे लेके आ जाएं, ठीक है, अपनी शेप को देखें ये कैसे चेंज करें। इसी तरह ये नोड लगा हुआ, इसको पकड़ें, इधर ले आए, ठीक है, ये इसको वापस ले जाएं जहाँ से लेके आए हैं, इसको साथ कर दें, जैसे भी आप चाहें अपनी शेप को जो है वो आप रोटेट कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर दें नीचे, इसको इधर ले आए, जैसे आप चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये इसके नोड्स ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, आप इन नोड्स को ऊपर नीचे जैसे भी आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है।
ये बी सप्लाई टू, तो ये देखें इसका यूज है, इसी पॉइंट इसमें ऐड करना है, डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी, ठीक है। अच्छा इस तरह इसके साथ ये देखें, ये पहले हमारा चेक है, ये बिल्कुल जो स्मूथ कर्व है वो सिलेक्ट है, आगे जो है ना हॉट कंट्रोल पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट है। इसके साथ अगर देखिए तो वो क्लैंप लिखा हुआ है, क्लैंप कंट्रोल पॉइंट, अगर इसको करें चेक तो ये आपका जो पॉइंट सिलेक्ट है उसको बिल्कुल इस तरह कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, बिल्कुल नोड्स को जो है वो इसका कॉर्नर बना देगा, जो आपका पॉइंट स्मूथ है उसका कॉर्नर बना देगा। अगर इसको चेक करें और इसमें जाएं दोबारा, ये देखें ये पॉइंट इसने आपका बिल्कुल कॉर्नर आपका कर दिया, पहले राउंडेड था अब कॉर्नर कर दिया। अगर इसी तरह ये वाला देखें, इसके ऊपर एक बार क्लिक करें और ये करें इसको क्लैंप कंट्रोल पॉइंट, ये आपकी शेप बिल्कुल जो है चेंज हो गई, एंगल्स बना दिए इसने, आपके जो एजेस हैं वो कॉर्नर कर दिए हैं, पहले राउंडेड थे स्मूथ थे बिल्कुल, अभी एजेस बना दिए इसने ना, ये इस तरह जिस तरह आपके एंगल्स होते हैं, ठीक है, नोकदार इसने कर दिया आगे से, पहले स्मूथ था अभी बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए। अभी दोबारा जाएं इस पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करें और साथ ही इसको ये कर दें, फ्लोटिंग है ये बेसिकली, फ्लोट कंट्रोल करेंगे, ये इसके नीचे लिखा भी हुआ है क्रिएट अ स्मूथ कर्व बाय रिमूविंग द कंट्रोल पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अगर साथ वाले के ऊपर लेके जाएं क्लैंप कंट्रोल के ऊपर, अटैच द कंट्रोल पॉइंट टू कर्व टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये सिलेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सारी, ठीक है, पहले स्मूथ था। अगर हम स्मूथ वाले पे जाते हैं फ्लोट कंट्रोल के ऊपर, ये देखें जो आपने पॉइंट सिलेक्ट किया उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट पे जाना है, वो सिलेक्ट करें और ये स्मूथ कर, ठीक है। थर्ड पे जाते हैं हम, क्लिक किया पहले उसके बाद इसको स्मूथ कर दिया, किया। इस तरह आपने कोई पॉइंट ऐड करना नहीं है, वो कैसे करेंगे, सपोज करें अच्छा शायद ये पॉइंट हमें ऐड ना करने दे, ठीक है हो गया ऐड, ये नया ऐड कर दिया, बस इधर ही कर सकते हैं स्ट्रेट पे आगे, उसके शो हो गई हैं बाउंड्रीज इसलिए आगे पॉइंट ऐड नहीं करने दे रहा, ठीक है। ये इसका यूज है बी सप्लाइन टू कोरल ड्रा के अंदर के, आपकी जो भी आप पॉइंट्स लगाना चाहें, ये जैसे हमने लगाए थे चार पॉइंट्स लगाए थे अपनी शेप को, एक बार हमने ड्रा किया उसके बाद जैसे हम चाहें इसके एंगल चेंज कर सकते हैं, इसकी रोटेशन जो है स्मूथनेस जो है वो बॉटम पे लेके आ सकते हैं, टॉप पे लेके आ सकते हैं, जैसे ये किया था, इसको पकड़ें और ये नीचे कर दें, ठीक है, इसको पकड़ें इधर कर दें, ठीक है, जैसे भी आप इसको मूव करवाना चाहें वो आप इन नोड से पकड़ेंगे जो ऊपर सप्लाई, ठीक है, आप मूव करवा सकते हैं। इसी तरह ये लगा हुआ है आपका पॉइंट, ये लगा हुआ है, इसको स्ट्रेट करना चाहें स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ये लाइन है इसको मैं स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट कर लें, अभी हैं इसमें कर्व्स लेकिन आप वन बाई वन जो है इसको रखते हैं, जैसे भी आप रोटेट करना चाहें स्ट्रेट करना चाहें ये स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा और कर लें, ये आपकी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सर ये काइंडली बता कंट्रोल दें, ये पी 20 लाइन कर टूल कहाँ से पिक किया आपने? रहा हूँ, ये इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है, वेट करें, ठीक है। तो यह बी स्प्लाइन टूल का यूज है, पहले आप शेप को ड्रा कर लें, जैसे भी है कोई लाइन लगानी है, कोई कर्व करना है, कोई सर्कल करना है, एक बार ड्रा कर लें, उसके बाद स्प्लाइन पॉइंट जो है वो शो हो जाएंगे, ये जहाँ जहाँ आप जिस तरह आपकी रोटेशन होगी, जिस तरह आप कर्व बनाएंगे वहाँ ऊपर वाली साइड पे, ऊपर या नीचे, ये देखें ये कर्व ऊपर बन रहा है तो ये पॉइंट लग गया हमारे पास ऊपर की जानी, और ये नीचे की जानी लग गया, और ये फिर हमने इस तरह मूव करवाया था अपने टूल को तो ये ऊपर की जाने फिर एक लग गया पॉइंट जो नोड है आपका, ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया कि इसके एंगल स्ट्रेट करने हैं, ये स्मूथ है एंगल स्ट्रेट करना है, तो पहले आप क्लिक करेंगे एक बार, तो ये इधर आए ऊपर क्लैंप कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे, ये बिल्कुल एंगल स्ट्रेट कर दिए। इसी तरह नीचे जाएं इसके ऊपर क्लिक करें और ये स्ट्रेट, फिर इसके ऊपर क्लिक करें और ये स्ट्रेट, ठीक है। तो ये यूज है बी स्प्लाइन टूल का, आप जैसे मर्जी चाहें इसको रोटेट करें, इसको स्मूथ करें, एंगल स्ट्रेट करें, अपनी कोई भी शेप आप ड्रा करें, और इसका यूज आपने देख लिया।
किया किस तरह। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है बी सप्लाई एंड टोल का तो पूछें। जी सी क्लियर हो गया। ये आप करके देखें अभी। एक नई विंडो ले लेते हैं, उसमें करते हैं। पॉलीलाइन टू ठीक है, पॉलीलाइन ठीक है। अभी एक और टूल है पॉलीलाइन टूल, ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ऊपर वाले देख रहे थे, पेन बी सप्लाइन बीजीएस, ये भी वैसे ही इसके नोट्स जहाँ होंगे सब कुछ वैसे ही होगा, उनसे मिलता जुलता यही है। अगर हम देखें पॉलीलाइन, ये क्या करता है आपके स्ट्रेट पॉइंट जो है वो ड्रा करता है। ये देखें आप इस तरह आप क्विकली कोई भी चीज़ आप ड्रा करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप जाएँ इसको डबल क्लिक कर लें। ठीक है, ये यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, इस तरह की कोई ड्राइंग करनी है आपने, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप क्विकली या इस तरह की कोई भी ड्राइंग करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे पेन टूल से भी हम कर सकते थे वैसे ये है। ठीक है, पॉलीलाइन टूल इस तरह इसके नोड्स, ये इसके नोड लगे हुए हैं, कोई इसके बाद इसको नोड को आगे पीछे आपने करना हो वो कैसे करना है वो कर सकते हैं। ये देखें इधर से, ठीक है, कोई सभी पकड़ें, इसको रोटेट करना है आपने, कन्वर्ट टू कर्व कर लें। उसके बाद ठीक है, इस जो आपने सीधी लाइन पे आ गई हैं उनको थोड़ा सा कर्व करना है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ये वन बाई वन हो, ये आप कर्व कर सकते हैं इस तरह, यहाँ से करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये कर्व हो गया आपका, इधर से कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, क्विकली लाइन ड्रा की, ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइंग करता है जो आपका पॉली लाइन टूल है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइंग करता है। आप जैसे मर्जी से ड्राइंग कर लें, उसके बाद आप ड्राइंग करके पॉइंट्स जो है इसके रोटेट कर्व करवा लें जैसे भी आप करवाना चाहें। ठीक है, यही है, इधर इसको करवाना चाह रहे हैं, नीचे ले के आना चाह रहे हैं, ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉइंट का ब्रेक कर्व, कर्व को ब्रेक करना है। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह आगे है इसकी कि ये आपने ड्राइंग की है, इसके आगे कोई एरोज वगैरह लगाना चाह रहे हैं, कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, ये जहाँ पे आपके नोड्स लगे हैं वहाँ पे ही ये देखें कोई पाथ बनाना चाह रहे हैं, बात बात आपकी कोई असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन में, अगर ये पाथ आपने स्टोर करने जा दिया, ये देखें पाथ के नोड्स बिल्कुल सिलेक्टेड थे हमारे पास, जहाँ जहाँ पे नोड्स आ रहे हैं वहाँ पे इसके एरोज बन गए। अगर यही एरोज दूसरी साइड पे करना चाहें लेफ्ट टू राइट उधर से कुछ सिलेक्ट करें तो यहाँ पे इसमें पाथ सर, एरोज दोबारा लगा दें, एरोज का मुझे पता नहीं चला। ये आपने सिलेक्ट की हुई तो एरोज आपके ऊपर शो हो रहे हैं मेन्यू के ऊपर, पहले हमने लेफ्ट टू गए, ये आपका लेफ्ट पाथ बन गया। ठीक है, इस तरह कंट्रोल जी करता हूँ तो राइट वाले लगाना चाह रहा हूँ, राइट वाले लगा लें आप। ठीक है, कोई इसे भी इसी तरह लाइन का स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, पाथ का स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं, इधर से जाके ऊपर ही ऑप्शन मौजूद है आपके पास, ये आप कर सकते हैं इधर से चेंज।
ठीक है, एक बार दोबारा कर रहा हूँ, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉली लाइन है, मैंने इधर से पॉली लाइन सेलेक्ट किया, इसकी ड्राइंग पॉली लाइन टूल सेलेक्ट किया, उसकी ड्राइंग पॉली लाइन सेलेक्ट, उसकी ड्राइंग कोई सी भी करना चाहे क्विक वे में, इधर से ज्वाइन करवाना चाहे ज्वाइन करवा लें तो थोड़ा सा क्लिक करते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी इस तरह की अगर आपने कोई ड्राइंग की हुई है, ये पॉली लाइन टूल से क्विकली आप ड्रा करें, तो आप कोई कलर फिल करना चाहें कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्योंकि एंगल जो नोड्स हैं इसके बिल्कुल कनेक्टेड है, कलर करना चाहें या इसके बाद आप नोड्स में कोई चेंजिंग करना चाहें, नोड्स ऐड करना चाहें, कोई डिलीट करना चाहें, कोई कर्व करना चाहें, वो आपने कैसे करना है वो इधर केप टूल के ऊपर जाएं आप, ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर दें या सपोज करें कि आप सेंटर से इधर से कर्व करना चाह रहे हैं, एक बार क्लिक किया उसके बाद ये साथ ही बना हुआ है कर्व करने का ना, कन्वर्ट टू कर्व, ये किया। ठीक है, यहाँ से आप पकड़ें और इसको कर्व कर दें, इसी तरह दूसरी साइड से करना चाह रहे हैं, दूसरी साइड से एक बार क्लिक किया उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व करें और इसको पकड़ के कर्व कर दें। ठीक है, ये आपकी शेप बन गई। तो ये इसके बाद और इसमें है रिवर्स डायरेक्शन करनी, दोनों साइडों पर सेम ही है, ये इसका यूज इतना नहीं है। तो ये पॉइंट आपने देखेंगे, इसको पहले स्ट्रेट ड्रा किया हुआ था, उसके बाद कर्व किया, जिसको भी चाहें आप कर्व कर सकते हैं, सपोज इसको करना चाह रहे हैं एक बार क्लिक कर लें, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा कन्वर्ट टू कर्व, वो करें और इसको कर्व कर लें, आप इसको करना चाह रहे हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर लें कर्व, उसके बाद कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं वो कर लें आप, इसका जैसे भी आप कलर फिल करना चाहें वो कर सकते हैं, इसकी बाउंड्री ख़त्म करना चाहें, बाउंड्री इसकी थिक थिन करना चाहें, जो डॉटेड लाइन में तो कलर नहीं होएगा ना, डॉटेड लाइन में भी कलर होगा, कलर बाई हो जाएगा आपका, ये देखें इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये डॉटेड लाइन बाई चली गई आपकी। ठीक है जी जी, ठीक है। इसी तरह जो आपका पाथ आगे दिखाया, ये आपके एरोज हैं लेफ्ट, ठीक है, पहले ये सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद एरोज आएंगे। ठीक है, ये नहीं लगा रहा शायद, कलर इसका ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये इसका यूज है, ये लाइंस इसकी ऐसे करनी है, वो भी हमने देखा, ये एरो क्यों नहीं शो हो रहा। तो ये सेंटर में जो एरो लगाया है, ये आपने ब्रेक का पार्ट कैसे किया था जी, वो भी बताता हूँ, इलेक्ट्रिक मोड में नहीं हमने करना। ठीक है, ये भी कवर्स हैं इसमें, ठीक है नोड, अच्छा ये एक और चीज़ है इसमें, ये नोड्स हैं इसके बिल्कुल, ये इधर कॉर्नर कुछ बने हुए हैं थोड़े से ख़राब हैं, स्मूथ करने हो तो यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है सिमेट्रिकल नोड का, ठीक है, उसको करेंगे तो ये इसको स्मूथ कर देगा यहाँ से ना, आप यहाँ पे कॉर्नर निकला हुआ है, अगर पहले इसकी लाइन्स ठीक कर लें ताकि सबको क्लियर नजर आए, ये वाला नोड मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये सिमेट्रिकल में करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लें, उसके बाद ये है सिमेट्रिकल नोड, इसको सिमेट्रिक, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया यहाँ से हो गया, अगर दोबारा ये स्मूथ और सिमेट्रिकल बिल्कुल सेम ही है, ये कस्प नोड का हमने कल पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, ये कैसे किया, एक बार फिर मैं कंट्रोल जी किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ये आ रहा है आगे हमारे पास सिमेट्रिकल नोड, ये नोड जो आपका कॉर्नर निकला हुआ है उसको स्मूथ करने के लिए, ठीक है, साथ ही इसके स्मूथ उससे भी हो जाएगा और आप इससे भी कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले के ऊपर जाएं, एक बार क्लिक करें और उसको भी आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है,
इस तरह किसी भी पॉइंट को आप जाएं और सिमेट्री कर दें, ये देखें बिल्कुल इसने स्मूथ कर दिया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर जाएं, इस पर सिमेट्री करें तो ये स्मूथ कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर जाएं, सिमेट्रिक करना चाह रहे हैं, ये इसने सिमेट्रिक कर दिया, स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो ये इसके थे पॉलीलाइन टूल के अंदर। पॉलीलाइन टूल के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी हमने इसकी देखी कि कैसे यूज़ होना था। क्विकली स्ट्रेट लाइन का कि उससे ये अगर आपने कोई पाथ बनाना है इस तरह, ठीक है, तो एरोज लगाने हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो लग सकते हैं। इसकी लाइन की जो है चेंज करनी हो आपने, स्टाइलिंग चेंज करनी हो लाइंस की, वो देखा, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये आप क्विकली कर सकते हैं। सर काइंडली ये एरो कैसे लगाए हैं वो बता दें। एरोज कैसे लगाए हैं, ठीक है, एरो का बता देता हूँ। तो ये अगर हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल ऐड करें किसी भी जगह के ऊपर, तो वो हमें पहले करना पड़ेगा, सोच करें यहाँ पे लगाना, तो ये पॉइंट हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। सॉरी इधर होगा, हाँ जी ब्रेक कर दें इसको, ब्रेक कर्व करें। तो सर, ये देखें सर राइट क्लिक करके भी ब्रेक का पार्ट ऑप्शन आता है सर, उसको भी कर लेना तो उसे भी रख देते हैं, ठीक है। कोई सा भी इससे भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप कर लें, इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ये क्या किया है, इधर होगा ब्रेक, ठीक है, ये तो उधर ही दिखाई जा रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी लगाना है आपने इसको ब्रेक करना है अपने पॉइंट को, तो वहाँ पे आप मल्टीपल एरर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो आप एंड पे स्टार्ट में या लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, आप कैसे कह रही हैं, राइट क्लिक करके। जी सर, सर ये जो है ना नोड उसको सिलेक्ट कर लेना है सर, मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके ना सर ब्रेक अपार्ट कर दें तो फिर उसके आगे। हाँ वो इधर आप ऊपर से भी कर लें, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों पॉइंट ब्रेक हो गए, अगर इसको वन ग्रुप करें इधर से, दोनों अलग अलग हो गए, नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके देख लेते हैं। ये ब्रेक हो गए दोनों पॉइंट्स में, सारे नोड्स आपस में, जो नेक्स्ट वाला सपोज करें करना है उसको कर लें, इधर जाके कर लें आप ब्रेक पार्ट ये वाला, ठीक है। अभी लगाए यार वो आपको इधर बैठे नहीं नसीर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब हो या नसीर साहब, उनसे पूछ लें, सब 6 मार्क का है ये, हाँ जी। तो इस तरह लगने हैं, जो इसकी बाई डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है वो यही है कि एक पॉइंट के ऊपर ये लगता है स्टार्ट में या एंड में, सही है। ये मेरे माइंड में भी नहीं था तो मैंने अभी आपको देख के बताया इसका सलूशन। सही है, ये क्लियर है सबको। जी सर ये क्लियर है। सही है, किया ये किया ऐसे, ठीक है। ठीक करने ऐसे कोई एरो लगाना चाहें स्टार्ट में वो भी लगा सकते हैं। सही है, ये क्लियर है सबको पॉलीलाइन टूल। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आपने ब्रेक अपार्ट का प्रोसीजर बताया था वो रिपीट कीजिएगा, वो जो आपने मेरा वो राइट क्लिक करने से वो नहीं ऑप्शन आ रहा जो मैं करना बता रहा हूँ। राइट क्लिक से नहीं आ रहा तो ये ऑब्जेक्ट में देख लेंगे जैसे पहले हम करते थे। कंट्रोल के करके, अगर राइट क्लिक से करना पहले आप नोट
सेलेक्ट करें तो तब आएगा प्लान टूल, अभी हमने देखा तो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। कोर, ये आगे कोर टूल है 3 पॉइंट, ये इसी के नीचे, ये पेन टूल एंड ये सारे पॉली लाइन के नीचे 3 पॉइंट कर्व, ठीक है। जो आपने कोई भी कर्व बनाना हो 3 पॉइंट कर्व, जिस तरह हम पेन से खुद ड्रॉ कर रहे थे, इस तरह इसमें देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आपने रखा, ये आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड, ये है बिल्कुल। आप इसको करें ये कब बनाया आपने, बिल्कुल ऐसे सेलेक्ट किया, ये आपने सीधी लाइन लगाई थी, ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रा बिल्कुल इसी तरह। ये मैं इसको यहाँ पे छोड़ा हूँ अगर, ठीक है, ये अभी इसमें जाएँ आपके नोट में बिल्कुल, मतलब आपने कोई भी स्ट्रेट या कर्व ड्रा करनी है, कह रहे थे ऐसे ड्रा कर रहे थे दे रहे थे, ये हम पढ़े थे 3 पॉइंट कर्व, ठीक है, जिस तरह पेन टूल से हम कर्व जाते थे बिल्कुल ये उससे मिलता जुलता। ये उसमें क्या था कि हम उसकी डेप्थ और उसकी लेंथ जो है कुछ देते थे, जैसे एक्सलरेट कर रहे हैं, अगर आप डिफरेंस देखना चाहें, ये पेन टूल लिया था, उसके बाद अगर इधर से हमने इस तरह से करना था, रोटेट करना था इतनी जगह, तो ये हम एक्सेलरेटर इस पर करते थे, ठीक है, जितनी भी इसकी कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें या इधर से जाना चाहें, ठीक है, इसको इधर एंड करते हैं। तो इसी तरह अभी हम देखेंगे 3 पॉइंट कर्व का वो क्या होगा, 3 पॉइंट कर्व हमने ऐसे स्ट्रेट ही जाना, ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ दो, ठीक है, ये इधर ये भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें अपने कर्व को। हमने पॉइंट 2 ही सिलेक्ट किया, स्टार्ट और एंड वाला, ठीक है, उसके बाद आप जहाँ पे भी अपना कर्व जो है वो ड्रा करना चाहें, कर्व को रखना चाहें, वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में, या पेन टूल में क्या था हम एक्सेलरेट दे रहे थे इसको कि जितना हमने डेप्थ पे जाना है इसकी करें, लेकिन इसको क्या है सिंपली हम ऐसे ऊपर ले जाएँ नीचे ले आए, ठीक है, ये हमारे ऊपर जो भी आप बनाते हैं। मैं इधर इसको रिलीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो ये आपके पास कर्व बन रहा है, ये ऊपर वाला पेन टूल वाला था, ये नीचे वाला जो है आपका दूसरा जो आपने 3.5 से जो आप दिया, ये पॉइंट का जो आपके पास, ठीक है, ये इसके आगे आपके पास हैंडल, आप इनको मूव करें, ठीक है, आप इसको मूव करें जैसे भी आप करना चाहें, ये आपके पास एक कर्व बन गया बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बाकी इसके काम वही हैं जैसे दूसरे को। इस तरह अगर ऊपर जाना चाहें इसके हर एक में लाइन की थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, सब करना बाकी इसकी चीज़ें वही हैं सारी, एयर पड़े हुए हैं लेफ्ट पे, ये दूसरे वाला राइट पे, ये लाइन की जो डेकोरेशन है वो इधर पहले वाले की ये हो गया। इस तरह लेफ्ट राइट अगर आप करना चाहें तो आप गार्डन के लेफ्ट कोई ये आपने सीधी लाइन ली, यहाँ पे भी आपने जितना भी इसका देखें
अगर आप लोगों को बात नहीं आई, शायद कोई मेरे माइक में इशू हो, ये ऊपर वाली शेप ड्रा की पेन टूल से, मैं बता रहा था कि ये पेन टूल से हम ड्राइंग करते थे इस तरह, इसको खुद एक्सेलरेटर की विड्थ और लेंथ देते थे हम, ठीक है, पेन टूल से ड्रा करते थे। इसी के अगर अपोजिट देखें, हमारे पास जो टूल है 3 पॉइंट कर्व टूल, ठीक है, उससे हम ड्राइंग करते हैं, उसका हम डिफरेंस देख रहे थे, ठीक है। ये टूल सेलेक्ट किया था, सपोज करें कि हमें इतनी यहाँ से लेके नीचे तक इतना हमें कोई कर्व चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये लाइन पूरी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अभी हम इसको मूव कर लें लेफ्ट या राइट, जहाँ पर भी सपोज करें ये कर्व करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे ऊपर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे छोड़ देंगे, पेन टूल की तरह। लेकिन पेन टूल में क्या था, अगर सपोज करें हमने उसकी डेप्थ ज़्यादा करनी थी, तो हमें एक्सेलेरेटर को बहुत नीचे लेके जाना पड़ रहा था। तो इससे आप सिर्फ इसको ड्रैग करेंगे जिधर भी आप जाना चाह रहे हैं, अगर ये लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, राइट जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर, इधर नीचे, ठीक है। सपोज करें मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको, तो ये इधर इसने ड्रा कर दिया आपका कर्व जो है। बाकी चीज़ें वही सेम, जिस तरह शेप में जाएं दोबारा इधर आ जाएगी आपके पास, इसके नोड्स आ गए हैं, नोड्स हैंडल्स आ गए हैं, इनको मूव करना चाहें आप कर सकते हैं, दूसरे आ गए हैं इनको कर लें ऊपर नीचे, जैसे भी कोई नोड ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। एरोज का किसी ने पूछा, वो ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ये स्टार्ट वाला एरो लग जाएगा, अगर आगे जाएं तो ये नीचे वाला लग जाएगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट जिसको कहते हैं वो लग जाएगा, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ कम थी, दूसरे वाला ड्रा करते हैं, जो ये वाला फर्स्ट वाला ड्रा किया हुआ है, ये हमें चाहिए इधर से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो इस तरह आप ड्रा करेंगे एक, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा आपका बनेगा, जो ड्राइंग है आपकी काफ़ी बड़ी बनेगी, इसकी मैं बिल्कुल ज़्यादा रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोड़ा इसको, ये देखें, आप जितना भी इसका डायमीटर रखना चाहें ऊपर नीचे, जितना इसको लंबा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई आपको एक्सेलरेटर की इधर ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई हाइट वेट इसकी जो भी आपने कंट्रोल करनी है, सिर्फ माउस से ये क्लिक ही हुआ पड़ा, तो आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर की जाने, ये नीचे नीचे को मैं कर रहा हूँ इधर, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जो है थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं इसका स्ट्रोक, सही है। बाकी काम वही इसके, वही क्लिक करने से हैंडल शो होंगे, जैसे आम ड्राइंग में हम करते रहे हैं। इसको इधर कर लें, इस हैंडल को पकड़ें, इसको इधर कर लें, ठीक है। जैसी भी आप की शेप है, जिस तरह भी आप कर्व करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कोई आप पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, ये ऊपर प्लस है, पॉइंट ऐड हो गया, ये इसका हैंडल लग से आ गया, इसको आप रोटेट कर लें जैसे भी आप करना चाहें, जैसे हम पहले करते रहे हैं, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं, पॉइंट डिलीट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐड करना चाह रहे हैं डबल क्लिक कर दें ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसी तरह ये ऊपर बाकी ऑप्शन प्रॉपर्टी सेम वही, इसको हमने ब्रेक अप करना है, उसके बाद ये कस्प का कल हमने देखा था ये क्या चीज़ है, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है, कस्प का देखा था हमने कि ये पॉइंट है, इसको करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसी को मूव करेगा, इस वाले को करना चाह रहे हैं तो आगे वाला मूव होगा, ये हमने कल चीज़ें देखी हुई हैं सारी, ठीक है। बाकी ये एरोज इसमें अगर ऐड करने हैं वो कैसे करने हैं, एरो इधर ऐड कर दें, राइट पे कर दें, जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइन की डेकोरेशन बिल्कुल उसी तरह, ये स्ट्रेट थी, ये हम इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 3 पॉइंट कर्व इन कोरल ड्रा, सही है। ये सबको क्लियर होना चाहिए, वे ड्राइंग करके देखें इसकी, किसी को कोई इशू आ रहा है। ये पेन टूल का इसका कंपैरिजन किया हमने कि पेन टूल से कैसे ड्रा कर रहे थे या दूसरे किसी भी टूल से, इधर से बीजीएर टूल से, बी सप्लाइन टूल से, पॉलीलाइन टूल से, तो ये उनसे किस तरह डिफरेंट है। ये कंपैरेटिवली इजी है इससे कोई कर्व या शेप ड्रा करनी उनके मुकाबले में, ये इजी है, ठीक है। आप इजीली इसको जैसे लाइन आपने ड्रा करनी है, बाकी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसे भी आपने करना है।
हाँ जी, तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ, जी ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट डिजाइनिंग जैसे, तो जैसे भी आप चाहें इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। सही है, एक और ड्रा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेक्टर टूल, आपने अभी नीचे वाली को डिलीट कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, जिसको पहले आवाज नहीं थी आ रही। ये आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा की, ठीक है। डायमीटर इसका काफी ज्यादा रखा है, विड्थ इसकी काफी ज्यादा रखी है, ठीक है, ताकि सबको नजर आए। और आपने जाना है नीचे ऊपर, जोन से भी ड्राइंग करनी है हमें, ये वाला चीज बोलते हैं कब बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, या इधर चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो या लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा हो, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और कर लेते हैं, ये हमें सेंटर से चाहिए, सेंटर से कर लें, एक और कर लें ड्रा, ये हमें राइट से स्टार्ट हो रहा हो यहाँ से, तो यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं, जैसे भी जो भी आपको शेप चाहिए आप इजीली से ड्रा कर सकते हैं। और बिल्कुल स्मूथ होगा ये, कोई एजेस नहीं है इधर, कोई नोड बाय नहीं निकले हुए इसके, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ। और बाकी चीज़ें वही, इसकी प्रॉपर्टी में लाइन की वेट, इसकी स्ट्रोक, ठीक है, लाइन की ये शेप्स, इसकी लाइन की डैशेज, लाइन की एरोज वगैरह आपने देख लिए हैं। इधर सेम वही पहले वाली चीज़ें, हाइट वेट आपने कम ज़्यादा रखनी है, वो आप इधर से भी कर सकते हैं। सपोज करें ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, ये इधर से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सही नज़र नहीं आई होगी, ये वाले सेकंड कर्व की देखें, अगर इसकी मैं करता हूँ 1500, ये इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो आज हमने पढ़ा है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, तो हम टूल कवर कर रहे थे, इनमें से एक रह गया आपका लाइव स्केच, ठीक है, ये कल कर लेंगे या ये शायद लास्ट में हो, ये अभी इसमें नहीं है आपके कंटेंट में, ठीक है। ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, ये भी ये कैलीग्राफी का आपने सुना होगा, कैलीग्राफी आपके जो राइटिंग स्टाइल्स हैं, आपने बड़े मतलब वो डेकोरेशन से की होती है, बड़े स्टाइलिंग की होती है, जो उर्दू की या कोई इस तरह के स्टाइल वगैरह जो ड्राइंग है, ठीक है। ये अगर इधर देखें आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ऊपर, तो इधर इसका यूज भी लिखा हुआ है, ऐड आर्टिस्टिक ब्रश स्प्रे एंड कैलीग्राफिक इफेक्ट बाय यूजिंग फ्री हैंड स्ट्रोक, ठीक है, ये भी मतलब फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आप कौन कौन से इफेक्ट इसमें कर सकते हैं, आर्टिस्टिक ब्रश स्प्रे कैलीग्राफिक इफेक्ट, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग है ये भी, जिस तरह फ्री हैंड टूल था, ये सपोज करें इस तरह से एक आपने ड्रा की है ये चीज़, ठीक है, अगर सही नहीं बनी दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह आपने कोई चीज़ ड्रा की है, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, इसकी ये ड्राइंग की है आपने, इसकी विड्थ हाइट और लेंथ यहाँ पर सारी दी हुई है, विड्थ है बेसिकली ये ना इसकी मोटाई, ठीक है, इसके अगर इफेक्ट में आए तो तब आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर नीचे आए, ये करना चाहें आप, ये करना चाहें, तो ये भी हैंड टूल की तरह आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कोई सी भी इधर लाइन ये वाली ड्रा कर लें ऐसे, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रा की है, इसकी जो विड्थ है ये ऊपर लिखी हुई है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, 150 है, इसको 160 करें तो आप देखेंगे ये इसकी ना थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसकी अगर स्टाइलिंग की हम बात करें, स्टाइलिंग की बात करें तो ये इधर दिए हुए हैं सारे स्टाइल, ये सपोज करें हमने करना है, ठीक है, काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। ये मैं कोई सी भी इसकी ड्राइंग कर लेता हूँ, जिस तरह हमने पहले की है, इस तरह उल्टी सीधी, ये ज़्यादा ही उल्टी हो गई है, ठीक है, ये इस तरह की कोई ड्राइंग कर लें आप, आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, ठीक है। इधर से अभी मैं नहीं छेड़ रहा इसके जो इफेक्ट दिए हुए हैं, कितना है एंड्रॉइड है ये, अगर आप इसकी साइड देखें, ये ब्रश का आ रहा है इसमें, और बहुत सारी फंक्शनलिटी हैं, ब्रश टूल दिया हुआ है,
ये लेफ्ट पे, इससे आगे देखें तो स्प्रेयर है, ठीक है, इससे आगे देखें तो ये कैलीग्राफिक इफेक्ट है, उससे आगे जाएं तो ये एक्सप्रेशन है, ये सारे अगर आप सपोज आप ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो उस ड्राइंग देखें, ब्रश मैंने सेलेक्ट किया, उससे कोई इस तरह की ड्राइंग करें, ये जो ब्रश पेंट ब्रश है ना ये उसकी बात हो रही है, ये उस तरह का इफेक्ट है, ठीक है, ये कोई सा भी ड्राइंग किया है इसके ये इधर इफेक्ट आ गए ब्रश के सारे, ठीक है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें इधर से, ठीक है, ये सारे ब्रश की ऑप्शंस हैं, ये दिए हुए हैं, तो इसको कर लें तो इसने ये कर दिया, अभी कोई नई ड्रा कर लें, ये इस तरह का इफेक्ट आ गया ब्रश का, ये सारे ब्रश के हैं, ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये तो काम ही नहीं किया, इससे आगे जाएं आप, ये लें कोई स्प्रेयर लें, इससे कोई ड्राइंग करें, तो ये देखें स्प्रेयर है, ये इसके आगे स्ट्रोक कंट्रोल है, ठीक है, ये कर लें, उसके बाद ये इसके हैं सारे इफेक्ट, सेकंड वाला क्लियर करें, स्प्रेयर नहीं जिस तरह आपका ब्रश की तरह ये है, ये ब्रश की तरह मिलता जुलता, ये आपके जो स्प्लिट कर देगा सारी शेप को जो ना जिस तरह इधर उधर पड़ी है कोई चीज़ें, ये सेकंड वाला करें, ये क्यों नहीं आ रहा, ये इसके सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, और यार दो तीन और ऑप्शन हैं वो आप कर सकते हैं, वन बाय वन उनको आप ट्राई करके देखें, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट है, मतलब ये कोई कुछ भी ड्रा करके फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करके फिर वो प्रेस करना है ब्रश वाला और दूसरा, नहीं पहले आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद ड्रा कर लें, ये देखें जो हमने किया था ड्रा, ये टूल था बी सप्लाइन टूल, ठीक है, ये हमने स्टार्ट में देखा था, बी सप्लाइन क्या करता है, ये देखें एक आप कुछ भी ड्रा करना चाह रहे हैं इधर से, ये जैसे पहले पेन टूल से हम करते थे, जिस तरह हम कर्व बना रहे थे तो पेन टूल क्या करता था, अपने एक्सेलरेटर को यूज करते हुए हमें इधर ही शो कर रहा था उसके नोड, लेकिन ये थोड़ा सा उसके अपोजिट है, ये हम इधर छोड़ेंगे अगर ड्राइंग, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे जा रहे हैं, तो जिधर हम इसको ब्रेक करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो ये इसके नीचे जो है हमें पॉइंट शो करवाएगा, जैसे ये अभी शो करें, ये नोड जो है इसके ऊपर बन गए हैं, ठीक है, इधर से हम नीचे से ऊपर गए थे, ये नोड इधर बन गया नीचे, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये जो हैंडल्स हैं जिनको आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो भी मतलब इधर से ही आप पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस वाले को देखें, डिलीट हो गया डबल क्लिक, इस वाले को देखें तो ये इसके अंदर यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये था बी सप्लाइन लाइन का, उसके बाद अगला देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, बी सप्लाइन में जहाँ पे हमें कर्व रिक्वायर होता है वहाँ पे हमने पॉइंट एंड करने, हाँ जी वहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे तो उधर ही उसके नीचे या ऊपर जो है वो उसके नोड जो है लग जाएंगे, ठीक है, दीदी पॉलीलाइन टूल अगर देखें ये नीचे ठीक है, पॉलीलाइन टूल से आप फ्रीली भी कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं, जैसे भी इस तरह उल्टी सीधी, ठीक है, इसको इधर ब्रांड करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी इसे ड्रा कर सकते हैं, या अगर आप लाइन बाय लाइन चलना चाहें तो वो भी आप इसे ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है, इसको इधर जैसे इसकी हाइट वेट जो है जो भी आपने कंट्रोल करनी है वो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई एरोज आप देना चाहें वो हमने देखा था, ठीक है, वो लगा सकते हैं स्टार्ट में एंड में, फिर कोई मिड के अंदर लगाना चाह रहे थे इसका पॉइंट ब्रेक करके तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, ब्रेक कर्व करें, यहाँ पे ब्रेक किया तो ये दोनों साइडों पे लग गए हैं जो पहले लगा हुआ था फॉरवर्ड और बैक, सर ये पॉइंट ब्रेक कैसे किया दोबारा बताइएगा, पॉइंट ब्रेक किया ये आपने पॉइंट सेलेक्ट किया, इधर आ रहा है आपके पास से ब्रेक कर्व, ठीक है, ब्रेक कर्व किया तो ये आपके पॉइंट्स लग गए, इसी तरह अगर आपने ये राइट क्लिक कर दें इसको तो इधर भी आ रहा होगा ये ब्रेक पार्ट, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं आप, इस तरह ये पॉलीलाइन का ये हिस्सा, इससे आप ये लाइन बाय लाइन चल सकते हैं क्विकली, या फिर आप फ्रीली जो कुछ भी ड्रा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हमने देखा था
ये काफ़ी यूजेबल टूल था। थ्री पॉइंट कर्व का हमने देखा था कि कोई भी अगर पेन टूल और इसको कंपेयर करें तो इसकी ड्राइंग जो है काफ़ी इजी है। अगर हमें कर्व वगैरह चाहिए या इस तरह की कोई भी शेप चाहिए तो थ्री पॉइंट कर्व ये आपके पास नीचे आ रहा है, ठीक है। थ्री पॉइंट कर्व आपने सेलेक्ट किया, ये सपोज करें आपको यहाँ पे कोई बिल्कुल कर्व चाहिए, जितना भी इसकी आप विड्थ रखना चाहें, लेंथ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मुझे ऊपर से जाने कोई भी चाहिए या जहाँ से भी आप कर्व स्टार्ट करना चाहें, राइट से इसके बिल्कुल एंड से कॉर्नर से करना चाहें, यहाँ से करना चाहें, थोड़ा आगे बिल्कुल मिड में या ऊपर करना चाहें, आपको इधर एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने सिंपली माउस की मदद से इसको ऊपर नीचे इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए स्पोज, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट से राइट देखा था वो कैसे करना है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, राइट जाना चाह रहे हैं, आपका ये पॉइंट लगा हुआ है, आप थोड़ा सा कर्व करना चाह रहे हैं कर लें, लेफ्ट की जानब राइट की जानब या डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाकी एरोज वगैरह लाइन की डेकोरेशन सारी वो हमने देखी थी, और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले की तरह बिल्कुल, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको जो कह रहे थे रिपीट करने का। टूल से हम कह रहे थे ड्राइंग में पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, ये इस तरह इसके ना, ठीक है। ये पेन टूल से ड्राइंग की थी तो इसके नोड वगैरह जो हैं वो हम कर रहे थे, स्मूथ कर रहे थे उसको, तो वो कैसे करना था, इसको एजिस को स्केलप कैसे करना था, और इसके बाद एक और ऑप्शन थी ये सपोज करें हमने ड्रा की है पेन टूल से लास्ट वाली असाइनमेंट जो है वो इससे रिगार्डिंग थी, ठीक है। ये हमने किया है, इसके पॉइंट हमने स्मूथ करने थे, ये वाले इसके जो एजिस आपको नज़र आ रहे हैं, इसके दो तीन हमने डिफरेंस टेक्निक जो है देखी थी। एक तो ये थी कि आप विंडो में जाएं अगर, ठीक है, विंडो में जाएं, उसके बाद डॉकर में जाएं, उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं ऑप्शन फिलेट स्केलप स्केलप या चैम्फर के, ठीक है। इनको आप एक बार सिलेक्ट कर लें, पहले सिलेक्ट था वो भी गायब हो गया, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। इधर ये अगर आप देखें वैल्यू इसकी रेडियस आपने कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है वो आप इधर से कंट्रोल करें। अभी 61 है तो हम इसको 40 कर लेते हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसके एजिस ये जो नोड्स के बाहर निकले हुए हैं वो देखते हैं कि कैसे बनते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये हो गए हैं बिल्कुल कर्व हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह ये स्केलप का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको कर लें आप, अप्लाई कर दें तो क्या होगा, पहले इसको सीधा करते हैं, ठीक है। ये आगे आपके पास स्केलप करते हैं जिस, और इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखें नीचे की जानब हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन था ये चैम्फर का, इसको सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं और ये बिल्कुल इसने ऐसे कर दिया। ये हमने पहले भी देखा था अपने ड्राइंग में, तो इस तरह ये था, इसको दो तीन इसकी टेक्निक देखी थी राउंड करने की, ठीक है। इसी तरह इसका कोई हमने पॉइंट डिलीट करना था, पोज करें वो पहले भी देखा था, इसके आगे एक पॉइंट लगाएं, एक पीछे लगाएं और इसको सेंटर वाले को डिलीट कर दें, तो तब भी ये आप राउंड हो सकता है, डिलीट करें इसको, ठीक है। एक मिनट, ये फिलिट का ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास शेप थी, इधर आपने एक पॉइंट लगाया, दूसरा इधर लगाया, थर्ड को डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह भी हो जाता है आपका नीचे, इसी तरह इस पॉइंट को करना चाहें, दोनों के आगे पीछे पॉइंट लगाएं और सेंटर वाले को डिलीट कर दें तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और थी हमने देखी कि कोई भी हमने पेन टूल से ड्राइंग की है, ये उल्टी सीधी ऐसे इधर से, ठीक है। और
अच्छा अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, चलती ठीक है। इसको पकड़ के आप बाद में जो है करना चाहें, कर्व करना चाहें वो आपने कैसे करना, ये इधर लेके आए ठीक है। ये पॉइंट लगा हुआ है इसको नीचे कर सकते हैं, ये लगा हुआ है इसको इधर कर सकते हैं ठीक है। ये लगा हुआ है इसको पकड़ के आप, या हैंडल से पकड़ के आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं ठीक है। ये पॉइंट आपका बाहर है, इसको डिलीट करना हो इससे पीछे एक पॉइंट लगा लें, इससे आगे लगा लें और सेंटर वाले को डिलीट कर दें। ये यहाँ पे देखें थोड़ा स्मूथ हो गया, अभी ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन स्मूथ हो गया ठीक है। ये था और इसमें क्या था, ये देख ये हैंडल लगे हुए थे ठीक है। इसको आप मूव कर रहे थे तो दोनों साइडों पे इसका इफेक्ट हो रहा है, हैंडल के दोनों साइडों पे लेफ्ट और राइट आप देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद एक हमने ऑप्शन देखा था इधर कस्ट का ऑप्शन ना, ये ऊपर लिखा हुआ CUST कस्ट ऑप्शन, अगर ये एक बार आप पॉइंट के ऊपर क्लिक करें उसके बाद कस्ट सेलेक्ट करें तो फिर ये हैंडल का इफेक्ट देखें ठीक है। ये हैंडल आपने पकड़ा तो सिर्फ लेफ्ट से ही आप रोटेट कर सकते हैं ठीक है। पहले क्या था दोनों साइड पे हो रहा था, अभी एक साइड पे हो रहा है। नेक्स्ट वाला करें तो नेक्स्ट वाला भी जो है एक साइड भी हो रहा है ठीक है। तरह ये हमने स्मूथ करने की डिफरेंट टेक्निक देखी थी पैन टूल की, फिर उसके बाद हमने ड्रा की थी कोई शेप ठीक है। सपोज करें ये शेप हमने ड्रा की ठीक है, इसका एक पार्ट जो है हम इतना पार्ट हमें नहीं चाहिए मिड से, तो इसके ऊपर एक और शेप रख लें ठीक है। ये वाले इसका एक पार्ट हम कट करना चाह रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट किया तो ऊपर जाएं तो ये ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, बेल्ट का ऑप्शन आ रहा है, कंबाइन का ऑप्शन आ रहा है ठीक है, इंटरसेक्ट का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ट्रिम करते हैं अगर इसको, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए ये इसने बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसकी कटिंग कर दी है ठीक है। अगर इसी तरह हमें एक लाइन से हमने कट करके देखा था ठीक है, कि थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ ठीक है। ये सपोज करें हमें पार्ट नहीं चाहिए इसका एक, तो हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट लाइन जिसको कहते हैं वो ड्रा करेंगे ऐसे बिल्कुल सीधी ठीक है। इसको छोड़ दें यहाँ पे ठीक है, इतना पार्ट हमें नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं चाहिए, राइट नहीं चाहिए, या पूरी नहीं चाहिए, कौन सी भी आपको नहीं चाहिए। उसको कैसे डिलीट करना वो हमारे पास था एक टूल इधर होगा, विर्चुअल सेगमेंट डिलीट, विर्चुअल सेगमेंट डिलीट को आप सिलेक्ट कर लें ठीक है। ये यहाँ से इसकी कटिंग हो गई, नीचे वाला कट करना है, जब ये आपकी पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तब कट होगा ठीक है। इसके ऊपर रख और इसके ऊपर रखें, ये इसकी कटिंग हो गई जो पार्ट आपको नहीं चाहिए। उसके बाद हमने एक और देखा था, ये टू पॉइंट लाइन है सपोज करें, ये मैं ड्रा करता हूँ टू पॉइंट लाइन एक ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ठीक है, अभी इसका कोई पोर्शन हमें नहीं चाहिए, वो आप ऐसे कर सकते थे, एक पॉइंट इधर लगाते हैं सारी ना डिलीट हो जाए। इसका ये आगे वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें, इसके ऊपर एक बार क्लिक करके आप डिलीट कर दें या इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तब भी ये डिलीट हो सकता है ठीक है। ये पेन टूल के रिगार्डिंग ही थी कि इसके पोर्शन आपने डिलीट करने हैं, नोड को डिलीट करना है या उनको स्मूथ करना है, कर्व करना है, तो वो कैसे करना है। अच्छा एक चीज़ रहेगी ये होगी, इसी तरह फिर जाते हैं अगर अपने पेन टूल की तरफ ठीक है। ये इसके पॉइंट्स आ गए, इधर कर लेते हैं ठीक है, ज़्यादा ही हो गया ठीक है। ये हमने लिया था ठीक है, ये इसके देखें यहाँ पर नोड्स बाई निकले हुए हैं बिल्कुल ठीक है। इसको एक और टूल था हमारे पास स्मूथ टूल, इधर गया वो स्मूथ टूल है ये पड़ा हुआ, इससे भी आप इसको जो है कर्व को स्मूथ कर सकते हैं। कैसे करना है आप इसके ऊपर ये ड्रैग करते जाएं जब तक आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए ठीक है। ये देखें इसका कॉर्नर था पहले, अभी बिल्कुल ये स्मूथ हो गया, कर्व हो गया आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये हम देख रहे थे डिफरेंट इसके वेज, इसको स्मूथ और करना चाहें आप और वो भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर ड्रैग करते रहें जब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं बन जाता ठीक है।
इसमें कोई कलर फिलिंग करना चाहें वो आप कर लें, इसको आप स्मूथ करना चाहें जब स्मूथ ना हो जाए आप ड्रैग करते रहें। तो ये डिफरेंट कल हम देख रहे थे टेक्निक्स, इसकी पेन टूल को आगे ही कंटिन्यू किया था हमने, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ा है या जिसका कल का लेक्चर मिस था तो वो कल वाली प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा ये था पेन टूल के साथ आप यहाँ पर ड्राइंग कर रही हैं, तो आगे आपने जाना है इधर ऊपर या नीचे, तो ये खुद ही आपको डायरेक्शन दे रहा है, आप इसी में कर सकती हूँ, वैसे ही है। मुझे इसके मुताबिक नहीं करना है, मुझे अगला जो पॉइंट लेना है वो मैंने स्ट्रेट लेना है। स्ट्रेट लेना है तो वो आप देखिए इसके ऊपर लेके जाना कर्सर अपना माउस, ठीक है। तो आल्ट प्रेस करना है आपने, ठीक है, ब्रेक करने के लिए पॉइंट आल्ट, ठीक है, आल्ट प्रेस करें। और ये देखें इसके साथ नोड के साथ छोटा सा एरो बन गया, आपके पेन के साथ एरो बन गया छोटा सा, इसको क्लिक करें, यहाँ पे ब्रेक हो गया। अभी आप स्ट्रेट जाना चाहें, लेफ्ट जाना चाहें, राइट जाना, आपने कहा स्ट्रेट जाना है तो इधर आके स्ट्रेट कर दें क्लिक, ये स्ट्रेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप वापस आना चाह रही हैं तो आप आर्ट दबा रहे थे, लेकिन आपने जब आर्ट प्रेस करना है तो उसके साथ ये भी देखना है आके कि ये देखें नोट के ऊपर लिख के हैं, ये नोट लिख ही देता है, आप भी करता है, ठीक है। नोट करें और उसके बाद ये पेन के साथ जब छोटा सा एरो बन जाए स्मॉल एरो, तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, तब ये रिलीज हो जाएगा। ये आप जैसे मर्जी मूव करें, यहाँ पे आपने पेन को छोड़ना है, वहाँ पर डबल क्लिक कर दें पेन जो है वो, ठीक है। ये कल के लेक्चर से रिलेटेड थी चीज़ें, तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है।